रांची पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र से इन दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से दो नली देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए अपराधियों में मोहम्मद खालिद बंगाली उर्फ चूजा और शेख जुबेर शामिल हैं। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। चूजा मर्डर केस में जेल भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले दो लोगों से छिनतई का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के तहत सफलता हासिल की। डेरी मार्केट थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति जो है कि स्कूटी से आने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है, जिनके पास हथियार होने की बात बताई गई थी। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान ही हम लोगों को एक स्कूटी आता हुआ दिखा है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो है वह इन्हें जो है चेकिंग के दौरान जब इनके रोकने का इशारा किया गया तो एक व्यक्ति जो है वह भाग गया और दूसरा व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया। जो पकड़े गए व्यक्ति है उसका नाम है खालिद बंगाली और चूजा, जो कि नामकुम मौलाना आजाद कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनकी विधिवत जब जाँच की गई और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कमर से जो है एक देशी कट्टा जो कि मॉडिफाइड है, दो नाली एक साथ लगे हुए हैं, यह हथियार जो है वैध हथियार बरामद हुआ है। इनसे इनकी कागजात भी मांग की गई, लेकिन किसी तरह की कोई वैध कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। दो जिंदा गोली भी इनके पास से बरामद किया गया है। एक स्कूटी बरामद की गई है और जब इनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई तो दूसरे व्यक्ति जो घटनास्थल से भागे थे उनका नाम शेख जुबैर है, वह पुलिस के द्वारा जो है उनके निशानदेही पर नामकुम से गिरफ्तार किए गए हैं।